पर जो है ये कब्रिस्तान जो देख रहे हैं, यहाँ तक जो हमने सुना है वो ये है कि जो अमीर लोग होते हैं और जिनकी ख्वाहिश होती है वो यहाँ पर जो है वो उनकी कब्रें बनती हैं। बाकायदा यहाँ पे जगह जो है वो ख़रीदी जाती है और फिर जो है वो कब्र बनाई जाती है, यानी कि मरने वाले की विश पर भी है। और यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर आपको अमीर लोगों की कब्रें मिलेंगी। आगे चलें, देखते हैं। यहाँ पर अक्सर आपको कब्रों पे जो है वो छोटी तस्वीरें और अब तो बड़ी तस्वीरें रवाज वक्त के साथ साथ जो है वो टाइलों पे जो है वो प्रिंट करवा दिया है उन्होंने। ये देखें आप, चाहे वो मोहतरमा हो या मोहतरम हो, ये भी हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश हो या एक ट्रेडिशन इनका चला आ रहा है कि जिसकी बेस पर जो है ये अपनी तस्वीरें जो है बनवाते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये आते कम होंगे या इनके अजीज़ व अक़ारिब जो भी यहाँ पर आएँ और वो उनकी तस्वीर से उनकी कब्र को पहचान सकें और वहाँ फातिहा कर सकें। हमने यहाँ ऐसे बहुत से लोगों को भी देखा है जो नीचे ही गुज़रते ऊपर नहीं आते, नीचे से ही जो है वो इसाले सवाब के लिए जो है वो अपने मरहूमीन के लिए दुआ कर लेते हैं और दूसरों को भी। और नीचे ही जो है वो नजराने की पेटी भी उन्होंने बनाई है, वहाँ पर जो भी नजराना होता है वो वहाँ पर डाल देते हैं। दो रकत नमाज पढ़ते हैं, शुक्राने के तौर पर, और उनको खराज तहसीम अदा करते हैं कि उन्होंने अपने आप को यहाँ पर जो है मुकीम किया, अपने जद से बहुत दूर जो अरब से भी निकल कर जो है वो वस्ती एशिया की तरफ आए। हमने एक नियत की कि बीबी के दर पे हाजिरी दें और बीबी को जाने। बीबी हैबत ने जो है वो अपने ज़िंदगी के कई साल गुजारे। इस वक्त जो है हम उनकी इबादतगाह पे हैं। ये वो जगह थी जहाँ वो पत्थरों में जो है रहते थे और यहाँ पर जो है वो अपनी इबादत भी करते थे और खाना पीना और जो भी रिहाइश थी यहाँ था। और भी इस तरह के ऊपर कई गार हैं जो वक्त के साथ साथ जो है वो मिट गए हैं। नीचे भी ये गार है। आप क्या समझते हैं कि अहले बैत जो है वो सिर्फ उठे और वहाँ पर आ गए? कितनी मुश्किलें उन्होंने कवर की पैदाइश से लेकर और अपनी वफात तक जो है वो उनका सब्र का इम्तिहान और उनका जो है वो लोगों से रबते और लोगों से बचना। कुछ लोग दुश्मन बन रहे हैं, कुछ लोग दोस्त बन रहे हैं, कब दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, कब दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, ये किसी को नहीं पता होता था। बस वो अल्लाह तवक्कल जो थे वो निकल जाते थे। जब भी ये जब पैदा होते थे तो इनकी ख़ास तरबियत 7 से 14 साल तक की जाती थी, उसके बाद इनको कहीं ना कहीं रवाना कर दिया जाता था। हर दौर में जो है इमामों के दौर में भी जो है वो कोई ना कोई इनका दुश्मन रहा है। तो ये अपने सबर का दामन छोड़े बगैर अपने नाना के मिशन को जो है वो आगे बढ़ाते रहे। और बीबी हैबत भी जब यहाँ पर आई तो यहाँ पे वो खुद इस तरह थी कि जैसे एक फूल होता है और उसकी पंखड़ियाँ जो है वो आपस में जो है, जैसे ये फूल होता है बीच का उसका मेन हिस्सा है और पंखड़ियाँ उसको यूं कैद कर लेती हैं, इसी तरह जब भी बीबियाँ अपने घर से निकलती थीं या शहजादे निकलते थे तो उनको जो है वो इन पंखड़ियों की तरह जो है कुछ लोग जो है वो संभाल लिया करते थे या खुदा ऐसा माहौल बना देता था या ऐसे लोग शामिल हो जाते थे काफ़िले में।
ख़ास तौर पे घर के करीबी कुछ लोग होते थे जो बीबियों के साथ होते थे, जो उनको सपोर्ट के लिए होते थे, चाहे वो सिक्योरिटी के हिसाब से हो, चाहे उनकी रहनुमाई के हिसाब से हो, चाहे उनके खाने पीने के हिसाब से हो, चाहे उनकी इबादत और दूसरी चीज़ों में उनकी हेल्प क्यों ना करें। तो ये पंखड़ियों की मानिंद जो है वो उनको सहारा देते थे, और मेन जो बंदा होता था, जिसने आगे जाकर मेन काम करना होता था, या इन फ्यूचर में या इस दौर में जिनका नाम हमें याद है, जिनका हम नाम लेते हैं, उनके पीछे कई लोग भी शामिल होते थे जो उस जगह तक उनको पहुँचाते थे, वहाँ तक उनका जितना टाइम होता था वहाँ सर्वाइवल पॉसिबल बनाते थे, और उनको हालात से और लोगों से बचाते थे, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें चला करती थी। कुछ इसमें कुछ कमाने निकल जाते थे, कुछ जो है यहाँ भेड़ बकरियाँ चराते थे, कुछ लोगों में जो है वो अपने इल्म बांटते थे, दरस तालीम देते थे, जो अहले बैत का शेवा है जो उन्होंने अपने नाना से सीखी, और वही नस्ल दर नस्ल जो है वो यहाँ पे फैलाते रहे। और आज भी जो है बीबी यहाँ पर प्रेजेंस फील होती है, अगर आप करने वाले हों आप आएँ या 2 रकत नमाज भी पढ़ें, नीचे उनकी तुर्बत है उधर भी हाजिरी दें, आपको वाकई ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल दुनिया से कट गए और ऐसी सुकून वाली जगह पे आ गए, जैसे एक माँ की गोद होती है कि वहीं आपको पहला सुकून मिला, वहीं आपको पहली नशोनुमा मिली, और वहीं पे आपने जो है वो दुनिया को जाना और पहचाना। ये वो दर है जहाँ से आप सुकून लेकर जो है यहाँ से, जहनी और जिस्मानी सुकून लेकर जो है, रूहानी सुकून लेकर यहाँ से जाते हैं, और उस दुनिया को पहचानने में और उस दुनिया में सर्वाइव करने में आपकी ये एनर्जी, ये लोग जो है वो मदद करते हैं। अहले बैत जो है वो अपने ही आप जो है फ़हरफ़न मौला होते थे, और हर जगह करते थे। हमने भी यहाँ जो महसूस किया, वहाँ बीबी या ख़ुद खाना बनाया करती थी, जो उनके साथ खादमीन थे, जो उनके भाई के बच्चे थे, उनके साथ मिल के जो है वो यहाँ इस चीज़ को, सेटअप को चला रही थी, निगरानी भी करती थी, और ख़ुद भी एज अ वर्कर यहाँ काम करती थी, और रात को जो है वो इबादत में मशगूल रहती थी, और दिन में जो है वो काम काज करती थी। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ गार थे, और वहाँ पे वो इबादतें करते थे। आज वही इबादतों का जो है वो सरमाया है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पे आज भी रूहानियत मौजूद है, और आज भी यहाँ पे जो है वो फैज़ मिलता है। और ख़ास तौर पे बीबी हैबत जो इस जगह पे मशहूर हुई, वो मशहूर हुई थी, जिनकी औलाद नहीं थी उनको औलाद मिल जाती थी, और लोग छोटे मोटे अपनी दुआएं और हाजतें लेकर आते थे, बीबी उनके लिए दुआ करती थी तो वो हो जाती थी, और जो ज़रूरत लेकर आते थे वो यहाँ से भर लेके जाते थे, चाहे वो खाने की हो, चाहे माल और ज़र की हो, या सेहत के हवाले से हो, या किसी भी हवाले से हो। तो बीबी हैबत ने अपने यहाँ जो है वो बहुत सारे सिस्टम्स क्रिएट किए हुए थे, और उस सिस्टम्स में जो है वो लोगों को लेके चलती थी, और लोगों के लिए जो है वो एक मोतबर शख्सियत बन गई, और थोड़े ही अरसे में जो है वो एक चमकता सितारा बन गई। अहले बैत की ये निशानी है, जो ऑनलाइन होता था या जो भी अहले बैत इस सिस्टम से गुजरता था, जो उसको मेन बंदा होता था, वो खुद ब खुद वो एक चमक, एक सितारे की, एक चांद की मानिंद हो जाता था, जो लोग दूर से जो है वो उनको पहचान लेते थे, और दूर से जो है उनकी खुशबू आ जाती थी, और जिसकी वजह से वो इर्द गिर्द में मशहूर होते थे। इसी तरह दुश्मन भी पहचान लेते थे उनको, और आम लोग भी जो थे वो उनको पहचानते थे। बीबी के इल्मो मार्फत का, हुस्ने नज़र का, हुस्ने सीरत का, हुस्ने अखलाक का, और जितनी भी तारीफ़ करूं, ये वो रूहानी मरकज़ है जो आज भी कायम दाइम है। जो लोग उनके दुश्मन थे, जो उनके जान के प्यासे थे, जो उनको खून के प्यासे थे, आज उनका नाम सिर्फ़ तारीख़ में बुरे अल्फाज़ में लिखा जाता है। ये वो बीवी हैं या वो सादात हैं जिनका नाम हमेशा हर दौर में अच्छे लफ्ज़ों में याद रहे और अच्छे लफ्ज़ों में ही पुकारा जाए। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी इस्लाम जो है वो अपने इन्हीं बुनियादों पर, इन्हीं पिलरों पर जो है वो कायम है। जितनी भी तारीफ़ की जाए अहले बैत की, कम है जिन्होंने इस्लाम में अपना वो ज़िंदगी का हिस्सा डाल दिया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं जिए, ना अपनी ख्वाहिशों को देखा, ना अपने माँ बाप को, ना घर बार को देखा, ना अपने सुकून को देखा। बस वो उनका पैदा होने का मकसद ही यही था कि वो सिर्फ़ इस्लाम की, दीन की तबलीग करें और इस्लाम को आगे से आगे फैलाएँ। आपने सादात की तो तारीफ़ें बहुत सुन ली मुझसे, सादात वाकई तारीफ़ के काबिल हैं। खुदा ने इनको तभी मासूम बनाया, अक्सर सादात को, जिन्होंने आज जिनके मज़ारात हैं उनमें कोई ऐब नज़र नहीं आता। उनकी जितनी तारीफ़ें की जाए काम है, उन ज़बान थक जाएगी, उनकी तारीफ़ें, उनके कारनामे, उनकी सलाहियतें ख़त्म नहीं होंगी।
बीबी ने जिस तरह इस जगह पे अपना सिक्का जमाया और जिस तरह जो है वो अपने आबा अजदाद को प्रेजेंट किया, वो आज भी मुंह बोलता सबूत है। बीबी के ऊपर जैसे हमने नमाज़ की, आपको जहाँ नमाज़ पढ़ी, रियल जगह जो है बीबी की वो एक ये भी है, ये इस वक्त बंद है। और ठीक जिस जगह हमने नमाज़ पढ़ी, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसी जगह पे जो थी उनका जहाँ नमाज था, जहाँ पे वो पढ़ती थी नमाज, ये बेसिकली इनकी नमाज की जगह थी और यहाँ पे वो सोया भी करती थी। और ज़्यादातर जो है यहाँ दिए का सिस्टम था, जो चराग जलता था उस पर ही जो है वो गुजर बसर करती थी। इसके अलावा अपनी खिदमत के लिए जो है जो लोग उनके उनकी खिदमत के लिए जो लोग थे वो इस तरह मुख्तलिफ गारों में सोया करते थे, और जो मेन इनके करीबी जो रिश्तेदार यानी कि भाई के बच्चे थे वो इन्हीं के साथ हुआ करते थे। इससे नीचे भी ये गार हैं वो बंद है, वहाँ पे भी जो है इनके भाई के बच्चे जो है वहाँ हुआ करते थे, और बेटी जो थी वो उनके साथ होती थी कि जो भी फूफों को ज़रूरत पड़े तो वो उसको पूरा करें। बीबी ने अपनी शख्सियत छोड़ी, अपना मुल्क छोड़ा, अपना रूप छोड़ा, अपना हुलिया छोड़ा और यहाँ आकर एक नया रूप अख्तियार किया और काम वही रखा। आज भी वो जो है अब इसी का अपनी इबादत के हिसाब से जो है वो आज भी जो है लोगों के दिलों में जगह रखती हैं, अज़रबैजान लोगों के दिलों में और ख़ास तौर पे अराउंड द वर्ल्ड। अभी कुछ देर पहले हमारी एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी शनाख्त बताने से मना किया, हमने भी नहीं पूछा। उन्होंने अभी करंट मौजा बताया कि वो 3 दिन पहले यहाँ आए थे और 10 साल हो गए उनकी औलाद नहीं हुई, तो उन्होंने जो है यहाँ पे आके जो है वो बीबी के दुआ मांगी है और जो है वो गए हैं, और आज इत्तेफाक से जो है वो उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। तो ये अभी हाथों हाथ यानी आंखों आंख हमारा ये देखा देखा है, ये अभी जो है वो बीवी का मौजा है। वाकई अलेक्जेंडर ने सही लिखा था कि यहाँ जोड़े आते हैं और यहाँ पे जो है वो अपनी औलाद मानते हैं और उनको उसी साल में जो है वो औलाद नसीब हो जाती है। बीवी के साथ और भी मखलूक थी, मखलूक से मुराद बीवी ने जब यह सिस्टम ऑन किया, हमने ये भी रिसर्च की है कि जितने भी सादात हैं जहाँ जहाँ वो निकले उनके साथ गैबी मखलूक भी थी यानी कि जिन्नात भी थे, और इन जगहों पे आपको जिन्नात भी मिलेंगे अगर आप उनको प्रेजेंस महसूस कर सकें। ये एरिया बहुत ज़्यादा जो है वो थे कि इन जगहों पे, क्योंकि बीबी की तुर्बत भी रही और बीबी की सबसे बड़ी खानगाह और इबादतगाह जो है वो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। तो क्यों है, कोई ना कोई इसको आबाद रखे हुए है, कोई ना कोई इसकी टेक केयरिंग कर रहा है। इंसान तो जस्ट ऊपर ज़ाहरी तौर पे बना सकता है, मगर वो इबादत जहाँ पे आज भी रूहानियत हो तो वो दूसरी मखलूक जो है वो ही कर सकती है। इंसान जो है वो अपने अक्सर रस्ते से जो है वो भटकता रहता है और वो जो है सरगोशी में के पीछे लग जाता है और अपने आप भूल जाता है, अपना काम भूल जाता है, मगर ये सादात जो है इन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और अपने आप को जो है वो फना फिफिल्ला की हद से भी आगे ले गए और आज इनके नाम ज़िंदा है। खुदा क्यों ना इनके नाम ज़िंदा रखे, खुदा इनको क्यों ना कायम व दायम रखे, इनको क्यों ना अपना करीब रखे, क्योंकि इन्होंने खुदा के लिए जो है वो सब कुछ किया जो आप और मैं नहीं कर पा रहे अभी तक और ना हम कर सकेंगे। बस कोशिश में लगे हुए कि हम भी इनके रास्ते पे चलें और वो सब चीज़ें करने की कोशिश करें, शायद हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इस कार खैर में शामिल हो इस वीडियो के तवसुत से, और जो हम अपनी ज़ाती तौर पे इबादत करते हैं ताकि हम भी जब इस दुनिया से जाएं तो हम एंड में अपने आप को कह सकें हाँ कुछ थोड़ा सा हमने आम लोगों से चेंज किया है। आपको बताते चलें, यहाँ पे वैसे भी मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग हैं जो अब ये कब्रिस्तान जो है वो शाही कब्रिस्तान या आप कह लें कि अमीरों का कब्रिस्तान भी कहलाता है, यहाँ लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। इन पहाड़ों पे आपको रात में आना मुश्किल ज़रा होता है क्योंकि ये जगह बंद कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ पास में ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें पता लगा कि जिन्नात या दूसरी मखलूक जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रात के वक्त जो है वो हावी होती है। तो जहाँ जहाँ सादात गए वहाँ वहाँ पे ये सिस्टम भी चला जिन्नात का, उनके साथ रबते रहे और वहीं से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। एक पुरसरारियत भी यहाँ पर मिलेगी आपको, एक सुकून भी मिलेगा, एक इबादत और रूहानियत भी मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ आपके अगर रूहानी तौर पे आप देखेंगे तो आपको इल्म भी मिलेगा, आपको मार्फत भी मिलेगी, आपको तरीकत भी मिलेगी, और आपको सबसे बड़ी बात यहाँ खिदमत भी मिलेगी, चाहे कोई ना कोई आपकी कैसी ना कैसी खिदमत में जो है यहाँ पे मसरूफ़ है।
कैस्पियन सी के किनारे बीबी की ये यादगार आज हमने जो डिस्कवर की और हमने जो आपको बताया, इसमें हमने यहाँ आकर 3 दिन लगाए, 3 दिन हम 3 दिन से यहाँ जो है हम मुसलसल आ रहे हैं, और हमने जो है यहाँ आके सर्चिंग की है, बहुत सारे लोगों से भी पूछा, इंटरनेट से भी देखा, किताबें भी देखी हमने और बहुत सी वीडियोस भी हमने देखी। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे जो कुछ मालूमात मिली वो सबसे डिफरेंट इसीलिए होगी कि यहाँ पे हमने वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश की जो हमें कुछ डायरेक्ट भी मिला और जो लोगों से मिला। हमने किताबी बातें नहीं की, यहाँ पर आकर हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो आकर आप इंटरनेट की वीडियोस को फॉलो नहीं किया, हमने सिर्फ उस चीज़ को फॉलो किया कि यहाँ हमें जिस तरह गाइडेंस मिली और जिस तरह हमने ये किया। बीबी की ये तुर्बत जो कैस्पियन सी के किनारे है, ये तुर्बत ये आज भी कायम दायम है, और कितने ही दफ़ा इसको मस्मार क्यों नहीं किया गया, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया, फिर भी ये अपनी जगह पे रूहानी फैज़ अदा कर रही है। अगर आप में से भी कोई बेऔलाद हैं और अकीदत रखते हैं तो ज़रूर बाकू आएँ और बीबी के मज़ार पे हाज़िरी दें और अपनी हाजत को जो है वो पूरा करें। ये हमारी छोटी सी एफर्ट्स है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ी हमारे अपने लिए है कि हमने जाना बीबी को, आके एक और सैयदा को पहचाना जो हम दूर से रह के सिर्फ बातें कर सकते थे, मगर आज हम जिस जज्बे से और जिस खलूस से उनकी बातें कर रहे हैं और आपके सामने बयान किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ख़ास तौर पे मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे इजाज़त दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने ग्रुप्स में अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, शायद ये छोटी सी नेकी किसी को सीधी राह दिखा दे, किसी को जो है वो इन मज़ारात से जो भटके हैं उन पर बिलीव कर दे, अहले बैत से जोड़ दे या खुदा से जोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम।